हेलो एवरीवन, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? तो हिंदुआ सूरज वंश गुहिल वंश को कहा जाता था। गुहिल वंश की स्थापना सन 551 ईस्वी सन में की गई श्री गुहिल के द्वारा, और इन्होंने लगभग 1400 वर्षों तक मेवाड़ पर शासक किया, इसी कारण इन्हें हिंदुआ सूरज वंश कहा जाता है। चौहान वंश की स्थापना हुई सन 566 ईस्वी सन में वासुदेव चौहान के द्वारा। यह सांबर के आसपास की गई थी। और कछवा वंश की स्थापना हुई 1137 ईस्वी सन में धोले राय के द्वारा दौसा के आसपास। भूताला का युद्ध कब हुआ? भूताला का युद्ध हुआ मेवाड़ के जेत्र सिंह के शासनकाल में, और जेत्र सिंह का शासनकाल है 1213 से 1253 ईस्वी सन तक, और यह युद्ध हुआ है 1227 में। जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, और इस युद्ध में विजय हुए थे जेत्र सिंह। 1437 से आपको याद रखना है सारंगपुर का युद्ध, और 1527 से आपको याद रखना है खानवा का युद्ध। राजस्थान में नटनी का चबूतरा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो नटनी का चबूतरा स्थित है उदयपुर में पिछोला झील के किनारे, और पुष्कर झील कहां स्थित है? तो यह स्थित है पुष्कर अजमेर में। इस झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, और इस घाट में सबसे सुंदर घाट कौन सा है? जयपुरी घाट है। और पुष्कर झील को राजस्थान की पवित्र झील भी माना जाता है। जोधपुर में आपको याद रखना है जसवंतथड़ा, यह कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। मंडोर से आपको याद रखना है उत्तरी भारत का एकमात्र रावण का मंदिर, यह कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है। यहीं पर रावण व मंदोत्री के विवाह की चौरी भी स्थित है, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या चबूतरा वह भी यहीं पर स्थित है। राणा कुंभा को निम्न में से कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो राणा कुंभा को उपरोक्त यह सभी उपाधि दी जाती थी, इनके अलावा भी और कुछ उपाधियां दी जाती थी, जैसे राजगुरु, हालगुरु, दानगुरु, सेलगुरु, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सूरताना, यह उपाधि भी राणा कुंभा को दी जाती थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास बने हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। मेवाड़ का इतिहास निम्न में से कहाँ लिखा मिलता है? तो मेवाड़ का इतिहास लिखा मिलता है कीर्ति स्तंभ पर। यह 7 मंजिला व 75 फीट ऊंची इमारत है, यह चित्तौड़ में स्थित है। विजय स्तंभ भी 9 मंजिला व वर्तमान में 122 फीट, यह भी चित्तौड़ में स्थित है। एकलिंग शिलालेख उदयपुर में स्थित है, व बिजोलिया शिलालेख, इससे चौहान वंश की जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने किया, ऐसा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलता है। हवा के कटाव के कारण अर्धचंद्र आकृति के बालू के स्तूप को क्या कहा जाता? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो अर्धचंद्र
आकृति के बालुका स्तूप को बरखान कहा जाता है, और जो पेड़ पौधों के पीछे हवा के कारण जो रेगिस्तान में पेड़ पौधे हैं उनके पीछे जो बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें नेबका कहा जाता है, और जो तश्तरी नुमा बालुका स्तूप बनते हैं उन्हें मरहो कहा जाता है, और जो हवा के समकोण बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। यह सभी आप जब भौगोलिक प्रदेश पढ़ोगे राजस्थान के, उसमें मरुस्थल का जब आप अध्ययन करोगे वहाँ आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी। घग्गर नदी के मैदानी भाग को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो घग्गर नदी के मैदानी भाग को बग्गी कहा जाता है, और घग्गर नदी के पाट क्षेत्र को नाली कहा जाता है। पाट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। वागड़ का क्षेत्र आप लोगों को पता होगा, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, और माही नदी राजस्थान में दो जिलों से प्रवाहित होती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये दोनों जिलों से माही नदी निकलती है, और गोरवार का क्षेत्र बाड़मेर व जालोर का क्षेत्र। यह कौन सा क्षेत्र कहलाता था? गोडवार का क्षेत्र कहलाता था। शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को क्या कहा जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को जोहड़ कहा जाता है, और जोहड़ का सबसे गहरा भाग को चाबी कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में कुओं के सबसे निचले स्तर को चाबी कहते हैं, और बीड मतलब शेखावटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घासों के मैदान को बीड कहा जाता है, और बेरा का मतलब ढूंढाड़ क्षेत्र में पाए जाने वाले कुएं, ढूंढाड़ क्षेत्र में मतलब जयपुर व दौसा के क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को क्या कहते हैं? बेरा कहा जाता है। इसी से मेवाड़ के क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को सेजा कहा जाता है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, मेवाड़ के क्षेत्र में पाए जाने वाले कुओं को सेजा कहा जाता है। लाटी सीरीज के पास निम्न में से कौन सी घास पाई जाती है? तो लाटी सीरीज के पास सेवण, धामण व मुराल, यह तीनों घासें पाई जाती है, और लाटी सीरीज कहाँ स्थित है? तो लाटी सीरीज जैसलमेर में स्थित है, पोखरण पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक यह लाठी सीरीज स्थित है। 60 मीटर चौड़ी यह पट्टी है, जल पट्टी, भूगर्भ जल पट्टी है। निम्नलिखित में से कितने जिले अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में 13 जिले आते हैं। 13 जिले सीक्वेंस से आपको याद रखने हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, नागौर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। आपको 13 के 13 जिले याद रखने हैं, और मरुस्थलीय क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में 12 जिले आते हैं, और पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो 13 जिले आते हैं, लेकिन मरुस्थल में सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जो मरुस्थल में नहीं आता है, और वह किस में आता है? अरावली के क्षेत्र में गिना जाता है। और लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मरुस्थल का सबसे छोटा जिला है? तो झुंझुनू यह जिला मरुस्थल के क्षेत्र का सबसे छोटा जिला है। वही सबसे बड़ा जिला पूछ लिया जाए तो जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला तो झुंझुनू। उसके बाद ये आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना, और
और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में और अपने फेसबुक पेज पे ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच।